स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। तो इस वक्त हम लोग हैं हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के रेणुका जी टेम्पल में, और ये है यहाँ पे मिनी जू। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे पक्षी हैं। का चिड़ियाघर काफ़ी अच्छा है, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं रेणुका जी जो झील है माता की, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रेणुका जी, जो रेणुका जी की झील है माता रेणुका। और ये देखिए का इसको दूर से देखेंगे ना तो इसका जो आकार है वो एक खोई हुई औरत की तरह लगता है इसका आकार। अगर इसको दूर से देखेंगे तो ये माता रेणुका जी की छवि है। तो जो ये झील आप लोग देख रहे हैं, इसका पहले पुराणिक नाम जो है मानसरोवर झील था। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका नाम जो है रेणुका झील कैसे पड़ा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ऋषि जमदाग्नि और उनकी पत्नी यहाँ पर रेणुका माता जी रहते थे। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ पर जो है घोर तप किया, और उसी तप के प्रताप से उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम परशुराम रखा गया। तो वो जो परशुराम थे वो भगवान शिव शंकर का वरदान थे, और साथ ही वो भगवान शिव शंकर के छठवें अवतार भी कहलाए। और इसके बाद काफ़ी समय बीत जाने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही क्रूर शासक आया जिसका नाम सहस्त्रबाहु था। उसने इस जगह पर पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद उसने ऋषि जमदाग्नि जी को भी बंदी बना लिया था और उनसे कामधेनु गाय की मांग करने लगा। लेकिन ऋषि ने उन्हें कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कामधेनु गाय उनको भगवान शिव शंकर ने वरदान के रूप में दी थी, तो वो नहीं देना चाहते थे। तो सहस्त्रबाहु को बहुत ही गुस्सा आया और उसने क्रोध में आकर उनकी हत्या कर दी, ऋषि की हत्या कर दी। और ये सब देखकर जो है माता रेणुका इस झील में कूद गई और इसी झील में निवास करने लगी। तो जब भगवान परशुराम को इस बात का पता चला तो वो जल्दी से आए और उन्होंने अपने पिता को पुनर्जीवित कर लिया और अपनी माता से बाहर आने का आग्रह कर दिया। साथ ही उन्होंने उस सहस्त्रबाहु की भी हत्या कर दी। तो उनकी माता ने जो है झील से बाहर आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इसी झील में रहना चाहती थी। और ये सब देखकर जो है भगवान परशुराम बहुत दुखी हुए, लेकिन माता ने उनसे वचन लिया कि वो हर साल दशमी के दिन उनसे मिलने ज़रूर आएगी। और ऐसा ही होता है, यहाँ पे कहा जाता है कि जो दशमी के दिन है यहाँ पे भगवान परशुराम और माता रेणुका का यहाँ पर मिलन होता है। और इसी दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन भी होता है जो 4-5 दिन तक यहाँ पर लगता है। तो इसके पीछे यही कहानी है। तो यहाँ पर जो है लोगों की बहुत ही बड़ी आस्था है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं झील के एक छोर पर, और यहाँ पे हम लोग मछलियों को फिर से खाने का सामान देंगे। और ये देखिए सामने जो है यहाँ पे ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका और भगवान परशुराम की यहाँ पे जो है मूर्तियाँ रखी गई है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मनमोहक दृश्य है और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद जो है हम लोग झील की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो माता रेणुका की इस झील की परिक्रमा करते हैं उनके जो भी इच्छाएं होती है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो हम लोगों ने भी झील की पूरी परिक्रमा कर ली है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सामान परचेज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। और हम ये देखिए ये यहाँ पे जो है ये है वो स्टेज जहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है, और बहुत ही सुंदर जगह है। और पीछे काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो है पेड़ों वाली जगह है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का एनवायरनमेंट।
और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं जो पानी है झील का वो टिमटिमा रहा है, और हम लोगों की परिक्रमा जो है पूरी होने वाली है। तो हम लोग वापस पहुंच चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और बाहर काफी बारिश हो रही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।